दोस्तों, ये वीडियो किसी भी टैग या फिर न्यूज़ से रिलेटेड वीडियो नहीं है। ये वीडियो उसके बारे में है जो वीडियो अभी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, काफ़ी ज़्यादा उसे धड़ल्ले से जो है वीडियो को वायरल कर रहे हैं। तो आपने देखा ही होगा, एक औरत जो है मुसलमानों या इस्लाम के खिलाफ बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल रही है, तो उसका जवाब हमारे एक भाई ने दिया है जो कि हैदराबाद में रहते हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि ये वीडियो पूरी लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें जो भी हमारे मुसलमान भाई ने जवाब दिया है तो बहुत शांति और बहुत इज्जत से अब इस औरत को जवाब दिया, जबकि इस औरत ने पूरी जो है हमारी इस्लाम कौम को, मुसलमान कौम को, पूरे को जो है बहुत ज़्यादा इसका गंदी सोच है, इसकी गंदी बातें की हैं इसने पूरे। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और साथ में शेयर ज़रूर कर दें एक बार, जितने वीडियो वाली शेयर हुई है इससे ज़्यादा ये वीडियो शेयर होनी चाहिए, ताकि पता चले कि इस्लाम का रियल मतलब क्या है। इन जैसे भगोड़े क्या समझेंगे कि इस्लाम क्या है। अगर इसको 1% भी अगर रियल में इस्लाम के बारे में पता होता तो ये ऐसी बकचोदियाँ नहीं करती। तो दोस्तों, बहुत सारे जो है इसके वीडियो में देख रहे होंगे जो शाबाशी दे रहे हैं, एक ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इसको कि इसकी बेटी होनी बहुत ऐसी बेटी होनी बहुत जो है खुशनसीबी की बात है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ऐसी कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये हिंदू और मुसलमान को लड़ाई में बहुत ज़्यादा जो है आँख में घी का काम कर रही है ये। तो मैं आपको बता दूँ, ऐसे जो काफ़ी ज़्यादा जो है ऐसे टीम बैठ के ऐसा जो है मुसलमानों के खिलाफ जो आता है मुंह पे बोलते चले आते हैं, ऐसे अगर आप हम सुन रहे हैं तो इससे भी ज़्यादा जो हमारे नबियों पे, कुरान शरीफ पे, इस्लाम पे, हज पे बहुत सारी बातें उन्होंने जो की है, जिसकी वजह से जो मैं खुद को नहीं रोक पाया। जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम टेक्निकल 17 है, उसमें मैं न्यूज़ बताता हूँ। कई इल्जाम वो बहन ने लगाए हैं, लग रहा था गोडसे की नस्ल से है या राजा सिंह की बहन दिख रहे थे, क्योंकि जहालत, बेवकूफी, लाइल्मी, इग्नोरेंस की बातें कर रहे थे, इल्म वाली बात नहीं कर रहे थे। आइए उनके इल्जामात और उसके जवाबात सुने। पहला इल्जाम, मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते और ये कहते हैं कि नहीं है कोई खुदा सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है और हर हिंदू से नफरत करते। मैं ये कहना चाहता हूं इसके जवाब में, मुसलमान यकीनन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते, कोई मालिक ईश्वर अल्लाह गॉड नहीं है सिवाय एक अल्लाह के। क्यों पढ़ते? क्योंकि कुरान, हदीस, वेदा, गीता, उपनिषद में इसका जिक्र है। पढ़ लो खोल के तुम्हारी धार्मिक किताब चंदों के उपनिषद बुक नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1, ऋग्वेद बुक नंबर 18 चैप्टर नंबर 36, श्वेतोपनिषद चैप्टर 6 वर्स 9, यजुर्वेद चैप्टर 32 वर्स 3, भगवद्गीता चैप्टर 7 वर्स 20, भगवद्गीता चैप्टर 18 वर्स 36, एकमेव नित्यम सबका मालिक एक ही है ईश्वर अल्लाह एक ही है, एकम ब्रह्म दित्य नास्ते ने नास्ते किंचन, ईश्वर एक ही है दूसरा नहीं है जरा सा भी नहीं है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका कोई आकार और प्रतिमा मूर्ति नहीं बना सकते। न कस्य कसित जनिता न कडिपा, उसके माँ बाप अल्लाह के ईश्वर के माँ बाप बीवी बच्चे नहीं है, वो अकेला है। तुम्हारी धार्मिक किताब बोल रही, आरएसएस में जाके जाहिल मत बनो, वेदा गीता उपनिषद पढ़कर इल्म हासिल करो, तुम्हारे गुरु नहीं सिखाए तो हमारे से सीखो। दूसरी बात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अथर्ववेद बुक नंबर 10 चैप्टर नंबर 10 मंत्र नंबर 13 से लेकर 23 तक, एक शिंडी कटाने वाले, दाढ़ी बढ़ाने वाले, ऊंट चलाने वाले, मलेच्छे आएंगे बाहर से, गोश्त खाने वाले रहेंगे, उनके फॉलोअर्स का नाम मुसलमान है, साफ तौर पर लिखे हुआ है तुम्हारी धार्मिक किताब में। पढ़ो वेदा उपनिषद गीता को मानते नहीं मानते? अल्लाह के बारे में लिखा है एलो उपनिषद, एलो यानी अरबी में इलाहू, जिससे अल्लाह बना। तो अल्लाह के बारे में उपनिषद के अंदर भी लिखे हुआ है, आराम से, कोई परेशानी की बात नहीं है, सीखो, बौरान ना हो, जहालत की बातें ना करो। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी लिखे हुआ है तुम्हारी धार्मिक किताबों में। एक इल्जाम और लगा दली औरत के, मुसलमान मस्जिदों में, मदरसों में एक साथ जमा होकर गलत तालीम हासिल करते हैं। सबसे पहले मस्जिदों मदरसों में एक साथ जरूर जमा होते, हमारे पास जातिवार नहीं है, ब्राह्मण अलग, शुद्रा अलग, वैश्य अलग, ऐसा नहीं है हमारे पास। सब एक अल्लाह के बंदे हैं, सब बराबर है और सब एक साथ मस्जिद में आएंगे, सबके बच्चे एक साथ मदरसे में पढ़ेंगे,
छूतछात इस्लाम में नहीं है। प्रेसिडेंट कोविंद इंडिया के भारत के सदर राष्ट्रपति मंदिर में गए तो ढकल डाला एक जरा, क्यों? दलित है बोल के। उनकी बीवी को ढकल दिया, क्यों? दलित है बोल के। यूपी के ब्रह्माजी मंदिर में आने नहीं दिया उनको, क्यों? दलित है बोल के। मस्जिद में आना चाहे रमजान में तो हम बुला के 2 घंटे बिठाए, क्यों? मुसलमान है हम, इस्लाम ने हमको सिखाया, अल्लाह उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, इसीलिए हम सबकी इज्जत करते हैं। तुम्हारी तरह छूतछात नहीं है हमारे पास, इसीलिए पूरे मस्जिद में जमा होते और अल्लाह का कलाम सुनते जिसमें लिखे हुआ रहता कुल या अहले किताब, ए किताब वालों आओ एक रब की तरफ कि उसी की इबादत करेंगे, उसके साथ शिर्क नहीं करेंगे। ये समझाने के लिए, ये बतलाने के लिए मस्जिदों और मदरसों में एक साथ रहते बगैर छूतछात के। दूसरा इल्जाम लगा दी ये औरत राजा सिंह की बहन गोडसे की बेटी के अल्लाह दयालु नहीं है, रहम वाले नहीं है। कुरान खोल के पढ़ो, पहला लफ्ज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली आयत शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहम वाला है। देखो अल्लाह को छोड़ के जानवरों की पूजा करते हो, अल्लाह को छोड़ के इंसानों जिंदों मुर्दों पत्थरों की पूजा करते हो, फिर वो भी वो तुमको खिला रहा पिला रहा, फिर भी वो तुमको जिंदा रखा, फिर भी वो तुमको मौका दे रहा, फिर भी वो तुमको हम जैसों से सीधी बात सिखा रहा। और क्या होना, तुम्हारे बाप को बाप नहीं बोल के पड़ोसी को बाप बोलो, क्या जवाब आता? देखो पत्थर डाल देते तुम्हारे बाप। लेकिन रब का रहम देखो, अल्लाह का रहम, उसकी दया देखो, उसके साथ तुम जानवरों की पूजा कर रहे तो भी माफ कर दे रहा हो, मौका दे रहा सुधरने का मौका, इससे ज्यादा रहम और क्या होना। और 1000 साल मुसलमान पूरे देश पे हुकूमत करे, आज भी माइनॉरिटी में है, भारत पे 1000 साल हुकूमत करके भी आज भी माइनॉरिटी में, तुम मेजॉरिटी में, इससे बड़ी दया का और क्या एग्जाम्पल होना इस्लाम की तरफ से। अगर हमको हुक्म दिया जाता एक एक काफिर को मार दो, एक एक मुशरिक को मार दो, कौन बचा सकता था तुम लोगों को? सोचो 1000 साल हुकूमत करे फिर भी माइनॉरिटी में है, क्यों? अल्लाह फरमाते सूरह मायदा 5वां सूरह नंबर 32, एक मासूम को मारना पूरे इंसानों को मारने के बराबर है, एक मासूम को बचाना पूरे इंसानों को बचाने के बराबर है। पता चला किसी मासूम की भी जान नहीं ले सकता मुसलमान, इसीलिए गौरक्षक आतंकवादी मुसलमान नहीं है, इसीलिए गुजरात मुजफ्फरनगर में मुसलमान नहीं मारा, आरएसएस बजरंगदल बीएसपी के आतंकवादी मारे मासूम मुसलमानों को, मुसलमान मासूम की जान नहीं ले सकता। और एक इल्जाम लगा दिए हज पर वही जा सकते जो मुसलमान हैं, गैरों को वहां पर आने ही नहीं देते। तुम जानना चाहिए गैरों से हम सिर्फ इतना कहते हैं कि तुम अपनी धार्मिक किताब मानो, हिंदू भाइयों बहनों वेदा उपनिषद भगवद गीता मानो, ईसाई भाइयों बहनों बाइबल मानो, यहूदी भाइयों बहनों तलमूद मिश्रण मानो, सिख भाइयों बहनों गुरु ग्रंथ मानो, सब में लिखे हुआ है सबका मालिक ईश्वर अल्लाह एक है, उसी की पूजा हो, उसके साथ दूसरों की ना हो, साफ तौर पर लिखे हुआ है। तो धार्मिक किताब को मानो, एक अल्लाह की इबादत करो, चलो हज पे, एक पैदा करने वाले पालने वाले की पूजा करो, चलो हज पे। श्री कृष्ण बोले चैप्टर 7 वर्स 20 भगवत गीता में अर्जुन को, अय अर्जुन एक ईश्वर की पूजा कर, दूसरों की ना कर, तेरी बुद्धि नष्ट हो जाएगी तो नर्क में जाएगा। तो श्री कृष्ण की बात को मानो, एक अल्लाह की इबादत करो, चलो हज पे, कोई नहीं रोक सकता। तुम आप पत्थरों की मूर्तियों की जानवरों की पूजा करेंगे तो ऐसे लोगों को जो धार्मिक किताब के खिलाफ जाते हज पर नहीं आने की इजाजत है। और एक इल्जाम लगा दले मुसलमान रोजा इसलिए रहते कि उनको जंग करना रहता, मुसलमान रोजा इसलिए रहते कुरान में लिखे हुआ है तख्वा पैदा हो ताकि किसी की जान माल इज्जत और आबरू पर हाथ ना डाले। निर्भया के रेपिस्ट गैर मुस्लिम हर साल हिंदुस्तान में लाखों बच्चियों को मां के पेट में मार देने वाले अबॉर्शन से हिंदू डॉक्टर्स हिंदू नर्सेस हिंदू बाबा
बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2 करोड़ से ज्यादा हिंदू बच्चियों को मार डाले हिंदू माँ बाप, हिंदू डॉक्टर नर्सेस। ये गंदी चीजों से बचना है, शराब तंबाकू सूद से बचना है, हरामबाजियों से, जिना से, प्रोस्टिट्यूशन होमोसेक्सुअलिटी से बचना है, धंधे वाली औरतों से बचना है, उनको भी बचाना है, एड्स से बचना है। तो हमको हुक्म दिया रोजे रहो, अपने अंदर तखवा, अल्लाह की मोहब्बत और डर पैदा करो, बुराइयों से बचो, इसके लिए रोजे का हुक्म है। जंगे बदर पहली जंग रमजान में हुई, जंगे तबूक, जंगे खंदक, ये जंगे कभी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में नहीं लड़े। जाहिलों के जैसा बात कर रही तू गोडसे की औलाद, पहले सीख, कुरान सीख, हदीस सीख, वेदा उपनिषद भगवत गीता सीख, फिर बात कर। राजा सिंह के साथ जाहिल बनेंगी तो सीधा पूरे देश को भी डुबाएंगी, खुद भी डुबेंगी, पूरे देशवासियों को भी डुबाएंगी। ऐसा मत कर, पहले सीख। रोजे को इसलिए रखा गया ताकि तखवा हासिल हो। और जंग लड़ना, मुसलमानों ने जुबान से दीन को फैलाया, सबर से दीन को फैलाया। जब उन पर बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, उनको मारने आ गए, तब मुसलमान जंग के लिए भी आगे बढ़े। और ये बात का इनकार मुसलमान नहीं करता, मुसलमान बोलता जैसे कुछ तैसा, जितनी इज्जत देना है बराबर दो, कुरान हदीस में है। लेकिन जब जुल्म हो तो जवाब जुल्म का फिर इंसाफ से दिया जाएगा, ये अल्लाह का हुक्म, ये मोहम्मद ससम का तरीका है। लेकिन मासूम को कोई भी धर्म के हाथ लगाया नहीं जाएगा, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, हाथ नहीं लगाया जाएगा। यह हुक्म है अल्लाह का। और मुसलमान इस पर चल के ही जोधा को रानी बना के रखे, भागमती को रानी बना के रखे, मान सिंह को कमांडर बनाए, जनरल बनाए, तब जाकर देश 1000 साल इतना सक्सेसफुल था। पूरे वर्ल्ड का 33% जीडीपी इंडिया में था, सबसे सक्सेसफुल सुपर पावर था मुसलमानों के अंडर में। आज क्या करता है देखो, कर्जे में नंबर वन, भीख में नंबर वन, भूखे लोगों में नंबर वन, बच्चों को खाने खाने को नहीं है, माल नूट्रिशन में नंबर वन, बीमारियों में नंबर वन, फसाद में नंबर वन, अभी औरतों के ऊपर क्राइम में नंबर वन। यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट बोल रहा सबसे बर्बादी ज्यादा हिंदुस्तान में चल रही। देखो तुम क्या कर डाले तुम्हारे अंडर में, हमारे अंडर में कैसा था देखो। जोधा भी महफूज, भागमती भी महफूज, सब महफूज थे। तो जहालत की बातें करने से पहले अच्छे से पढ़ो कुरान को, हदीस को, तुम्हारी धार्मिक किताबों को। लिखे हुआ है कि मुसलमान, और एक इल्जाम लगा डाले हिंदू औरतों की, जो सो रक्षा नहीं करते, रक्षा नहीं करते तो जोधा को रानी कहकर बनाते थे, भागमती को रानी कहकर बताते थे। हैदराबाद जहां मैं हूं वो हैदर महल भागमती के नाम पे बसाया हुआ शहर है, जो बीवी थी खुली खुतुब की, और क्या इज्जत देना शहरों में सदा।